हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चाहते और बहुत ही कमाल के इंसान सुनील ग्रो। थैंक यू सुनील। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, जो ट्रेलर देखा, जो टीजर देखा, काफी हंसी आई, काफी जगह पे हंसी आई। दिल दा मामला गाना भी अगेन आपने उसे भी पूरा अगेन यू रिक्रिएटेड इट। काफी कुछ है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा रिएक्शन कैसे आ रहे, फीडबैक्स कैसे आ रहे। जिन लोगों ने देखा है बहुत अच्छा आ रहा है, पसंद कर रहे हैं लोग, और मैं चाहता हूँ शो को भी पसंद करे, से भी लाइक करें। यूनिक कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए एक्साइटिंग था क्योंकि इस तरह का सिटकॉम लंदन में, यूके में करना इस सेटअप के साथ टफ थिंग, कि सिटकॉम जॉनर वहाँ लेके जाना। सिटकॉम के साथ साथ ड्रामा भी है थोड़ा सा, और एक 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 स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ शो, तो ये वहाँ सेटअप करना मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा, नया लगा, तो मैंने किया। बट नोइंग यू, मुझे याद है जब एक बार कॉफी विद डीके डॉग मिले थे, तब आपने कहा था कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ फिल्में चूज करने में, मैं बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करता हूँ, इसीलिए वो गैप भी होता है। आपकी गैप भी दिखती है फिल्मों में भी, अगेन यू ऑलवेज टेकन एक टाइम लेकर, आप डिफरेंट डिफरेंट रोल, गब्बर में एक डिफरेंट है, भारत में एक अलग है, तो आज जब इसमें वो कौन सी डिफरेंट वाली बात थी जो फेल्ट के यार ये तो करना ही है कुछ भी हो जाए? जैसे मैंने कहा कि जो ये जो एक शो का कॉन्सेप्ट है, लंदन में इस तरह का सिचुएशनल कॉमेडी सिटकॉम बना नहीं है कभी जी इस जॉनर में, तो ये एक्साइटिंग पार्ट था कि वहाँ जाके करेंगे। और उस तरह के एक 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 घर में इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, किराएदार के भी किराएदार रह रहे हैं, जिसको जो जो एक्चुअली मकान मालिक को नहीं पता, तो उस सिचुएशन एक है, पर और साथ साथ में स्टोरी और भी काफ़ी सारे ट्रैक फॉलो करते रहते हैं, जब तो देखेंगे समझ में आएगा। लेकिन ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ वहाँ पर के रहने वाले लोगों की कहानी है, जिससे हम लोग उनकी एस्पिरेशन से, हर इंसान की एस्पिरेशन होती है, मेरी भी है, हम सब लोग रिलेट करते हैं, तो उसके बारे में है। सतीश शाह सर है इसमें, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा लंदन में है, तो बिहाइंड द शूट क्या माहौल क्या हुआ करता था वहाँ पे, मस्ती होती थी, वेट करते थे शूट खत्म हो और चलो घूमने मस्ती करें। इस सेट से ज्यादा मैंने पीसफुल माहौल कहीं नहीं देखा। हंसते थे, मजा करते थे, पीसफुल इन द सेंस आई थिंक क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर मानव शाह, बिकॉज ही हैड क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट जहाँ पे चिल्लाहट कोई नहीं, चिल्लाते ना शूट पे, चलो चलो रेडी रेडी, बात करो, चलो चलो चलो, ऐसा हम लोगों को बहुत सुनने को मिलता है जी। काम उसी पेस पे हो रहा है, पर कोई चिल्ला नहीं रहा है, कोई चीख नहीं रहा है, और काम बल्कि ज्यादा ही कर रहे हैं हम लोग, और आराम से सेट पे आए हैं, सीन डिस्कस किया है, सबने चाय कॉफी आराम से पी है, तैयार हुए हैं, और अब काम शुरू। फिर काम शुरू तो फिर एक साथ फिर काम चलता रहेगा, लेकिन उसके अंदर चिल्लाहट कहीं नहीं है, तो वो एक मेरे लिए बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस था। ओके, सो कुछ फैंस ने जब इसके टीजर आया था तभी ये भी ट्वीट किया था कि यू नो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनको झलक लगी मुन्ना भाई चले अमेरिका का, जो एक टीजर आया हुआ था राजकुमार ईरानी ने बनाया था, लोग कह रहे हैं कि अगेन वही थीम शायद डंकी में भी, इज ट्राइंग टू रिविजिट इट अगेन, जो इलीगल इमिग्रेंट की कहानी है, तो ये इसमें क्या कुछ सिमिलैरिटीज है? इस टॉपिक पे काफी कुछ बन चुका है पहले भी, पंजाबी फिल्में भी बनी है, चल मेरा पुत, सुपर हिट चल मैक्सिको चलिए, और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में और मैंने देखी भी हैं। तो कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं, पर उसके ऊपर अब क्या करते हैं, और ये उसका फिल्म से लेना देना भी नहीं है किसी भी फिल्म से, क्योंकि ये फिल्म टाइप कॉन्सेप्ट भी नहीं है, मतलब विषय हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट इज सिटकॉम है, एक कुछ लोगों की कहानी है जो एक घर में रहते हैं और उनकी डेली लाइफ है इस तरह से चलने वाली। तो यू नो यहाँ पे भी शुरुआत जो होती है प्लेन में जब आप जा रहे हो, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप वन थिंग लीड्स टू अनदर, तो आपने इतने सारे अब्रॉड में शोज किए, ये किए, कोई एक फनी या के वर्स्ट मेमोरी जो याद आती है जो फॉरेन में हुई थी? लाइक मेरे साथ हुआ था कि मेरा पासपोर्ट वासपोर्ट पैसे सारे चोरी हो गए थे। अच्छा। या स्विट्जरलैंड में दिस हैपेंड, एंड देन कैसे भी करके मैं इंडियन, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, मैं वापस पहुंचा तो था, बट दैट हैपेंड। कहां की बात है? दिस वाज इन जिनेवा। अच्छा। और वहाँ पे चोरी हो गया था, बट लकीली इंडियन एम्बेसी वाले, उस पासपोर्ट का क्या किया होगा किसी ने चोरी करके? पूरी बैग गई थी, तो अच्छा, पूरा बैग उसके साथ चला, ओके, सो समथिंग। यार जितने भी सामान उठाने वाले लोग हैं उनसे एक इल्तिजा है, एक दरखास्त है कि आप प्लीज सामान उठाएं तो पासपोर्ट वगैरह वापस भेज दें। बहुत दिक्कत होती है, लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इसका आपको क्या करना है, सामने वाले के काम आ जाएगा। जी क्या कह रहे हो? एनी फनी और वर्स्ट एक्सपीरियंस व्हिच यू हैड इन फॉरेन कंट्री? मुझे फॉरेन कंट्री में एक बार कहीं यूरोप में थे, रोम में, तो वहाँ पे सड़क पे चल रहे थे, तो कुछ
एक कोई तो बंदा था, उसको हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे ये सब लोगों कॉफी पीनी थी, कॉफी शॉप कोई थी नहीं, तो एक बंदा था, दुकान ऑलमोस्ट बाहर खड़ा हुआ था, तो आधी बंद थी, तो हमने कहा कॉफी के था विच वन, कैपेचिनो, ओके, तो $20 फॉर टू कॉफी, ठीक है, तो $20 उसको दिए और वो साइड से निकला, वो वापस ही नहीं आया, कभी दुकान का था ही नहीं वो, तो लेके चला गया सस्ते में छूट, 20 यूरो डॉलर्स नहीं थे, तो वो वापस ही नहीं आया कभी। तो आपने टीवी से जो शुरुआत की थी, अगर हम उसकी बात करें, बहुत मतलब यू डिड चंपू जो आपने किया था, ललन था आपका, जो शाहरुख वाला जो आपने पांचवी वाला भी आपने सब देखा है, यू नो यू हैव डन ऑल दीस थिंग्स, लेकिन वहां से जो आपकी जर्नी शुरू हुई थी, उसके बाद अगेन जो अगेन कॉमेडी नाइट्स एंड दिस एंड द मूवीज एंड ऑल दीस थिंग्स, मेरा ये पॉइंट है कि वो आज भी काफी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पूफ करने की कोशिश करते हैं, कॉमेडी करने की, बट वो बात आती नहीं है। तो आज जब मुड़के देखते हैं तो क्या लगता है, कौन सी वो एक एक्स फैक्टर था विच मेड यू यू नो गो थ्रू सो मेनी इयर्स, इतने टाइम तक वो स्ट्रगल कंटिन्यू रखा आपने, वो कंसिस्टेंटली आप करते रहे तब जाके एक वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचे थे, तो वो क्या लगता है? आई थिंक जैसा आपके सवाल में जवाब है, कंटिन्यूसली करते रहो, बाकी तो लक होता है, कुदरत होती है, ईश्वर होता है, तो वो तो पता ही नहीं कोई चीज़ कैसे चलती है नहीं चलती है, तो किसी को नहीं समझ में आता। हाँ, करते रहना है, बस करते रहो जो राइट लगता है, जो जैसा समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपना काम इंजॉय करता हूँ, मैं इसलिए काम पे जाता हूँ कि मुझे मज़ा आता है, और मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे यही आता है थोड़ा बहुत जो आता है, तो मेरे को इसी में ही इसी को समझते रहने का मन करता रहता है, इसी को तो बस उतना ही है। बट इजंट इट इंटरेस्टिंग कि आप एक स्पूफ कर रहे हो अमित जी के शो की, आप एक शाहरुख के शो की स्पूफ कर रहे हो, एंड देन यू आर वर्किंग विद देम, वो तो मतलब एक अचीवमेंट वाइज कितनी बड़ी बात हो जाती है कि मैंने शुरुआत यहाँ पे की थी और आज मैं उनके साथ एक फ्रेम से शेयर कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली सोचा नहीं इसके बारे में। हाँ, मैंने ये जो स्टार्स हैं जैसे बच्चन साहब हैं या शाहरुख खान हैं, इनको मैंने मुंह खोल के देखा है। सलमान खान है तो मैंने बचपन में फिल्में भी देखी है छोटे, तो मुंह खोल के देखा है। तो वो कभी कभी मुझे, जैसे अभी शूटिंग भी कर रहा था उनके साथ, तो करते करते मेरे को फिर वापस में रियलाइज होता है नहीं शाहरुख खान है कोई तो, और कई बार सीन कर लेते हैं। हाँ। और जैसे कुछ शूट कर रहा था मैं, सीन करने के बाद मॉनिटर पे देख रहा था, अरे ये तो सेम फ्रेम मतलब ये तो, अरे मैं शाहरुख खान के साथ था, मैं सलमान खान के साथ था, बच्चन साहब, ऐसा लगता है देखने में जी। तो वो देखते हुए लगता है ऑफ कोर्स, पर करते हुए भी लगता है शुरू में जान चुके, बट आई थिंक किस्मत, मैंने कहा लकी आदमी हूँ इसी जीवन में ये हो जाता है। यू नो आपकी फैन फॉलोइंग भी इतनी तगड़ी है, तो अफसोस कुछ फैन मैसेजेस आए थे, सबसे क्रेजीएस्ट फैन फॉलोइंग कब देखा था, मतलब कि वाओ दिस वाज द हाईएस्ट ऑफ पीक, भारत के वक्त या कॉमेडी नाइट्स के वक्त या कोई अब्रॉड टूर पे, कौन सा एक ऐसा पल था जो आपके लिए लाइक आज भी याद है कि दैट वाज द बिगेस्ट फैन मोमेंट? एक दो फिल्में की है मैंने, एक दो ऐसे काम किए हैं, एक दो शो किए जो किसी ने नहीं देखे, दो चार लोगों ने जो वो भी देखे, तो मैं उनको बहुत सलूट करता हूँ कि उन्होंने वो भी देखे। फैन मुझे ना, एक्चुअली ये जो वर्ड है ना फैन, मुझे अपने लिए अच्छा लगता है कि जिनका मैं फैन हूँ, मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल। मैं कुछ लोगों का फैन हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक किसी का फैन होना बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि आप उसकी ओ में होते हैं, राइट, उसको देख के आपका मुंह खुल जाता है, आप अपनी दुनिया भूल के उसमें गुम हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू बी समवन्स फैन, और उसकी आवाज़ सुनते ही, उसको देखते ही, अगर वो सिंगर है तो आवाज़ सुनेंगे, अगर एक्टर है तो आप उसकी एक्टिंग देखेंगे, आप उसके क्राफ्ट की तारीफ करेंगे, जिस तरीके से भी आप उसके फैन, बेस्ट चीज़ है दुनिया की। पर मुझे अपने लिए ना बिलीव करना बड़ा मुश्किल होता है, कई लोग मेरे काम को एडमायर करते हैं, पर मैं फिर भी मैं नहीं मान सकता, मेरे को लगता है अपने आप को कहने के मेरे फैंस हैं, या मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आता।
बट आई हैव हर्ड दैट आपके अब्रॉड शोज तो मतलब नाम अनाउंस होते से ही बिक जाते थे, इतने बिगेस्ट आज के तारीख में बड़े बड़े शोज बिक नहीं रहे, कैंसिल हो रहे, एंड यू हैव दैट प्रिविलेज. तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि फैंस, नो फैंस, हां मतलब वो वर्ड जो है ना उससे मुझे, अदरवाइज आई वुड कॉल देम एडमायरर्स और योर व्यूअर्स और पीपल हु लव यू, मे बी द फैन इज द वर्ड, बट आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल. ओके, तो आपने जो कहा तो 1998 में, यू नो, अगर आज मुड़ के देखते हैं हम तो 35 years फॉर दैट प्यार तो होना ही था, वन शॉट एंड सच अ बिग जर्नी. सर क्या मतलब, व्हाट आज व्हेन डू यू सी दैट सीन, आज भी देखते हो सीन? जी आता है, मेरे को कई लोग टैग कर देते हैं जो पहचान लेते हैं ना. हाँ, तो वो टैग करते हैं, मैं देखता हूँ तो मेरे को तो अच्छा लगता है मुझे देख के. बट वो जर्नी सर कैसी लगता है, हाउ डू यू फील के कहाँ पहुँचे हैं, कैसा लगता है? मोर और लेस मैं अभी भी अपने आप को वहीं पाता हूँ, कोई खास फर्क नहीं लगता मुझे. एज अ परफॉर्मर, मुझे जर्नी एज अ परफॉर्मर अपनी समझ में आती है, एज एन अचीवर नहीं मुझे समझ में आता कि मैं एज अ परफॉर्मर कितना बेटर हो सका हूँ, या क्राफ्ट में मैंने क्या बदलाव किया है, या वो अच्छा था कि ये अच्छा है, या समझ आने के बाद अच्छा है, वो उसमें ही मेरा गेम चलता रहता है दिमाग का. मैंने क्या सीखा या क्या एक्सपीरियंस किया. हाँ, मैं लकी रहा हूँ बहुत इस मामले में कि मैंने एक्सपीरियंस किया इस दौरान कई तरह के मीडियम्स, वहाँ से लेके यहाँ तक, रेडियो, थिएटर, टीवी, वॉइस ओवर्स बड़े सारे किए और काफ़ी साल किए, 8 साल किए, 8-10 साल और लाइव शोज. तो मैंने एक्सपीरियंस बहुत किया, फिल्में की, वेब शोज की कर रहा हूँ. तो और मेरे को मुझे लगता है कि वो सारा एक्सपीरियंस है ना किसी परफॉर्मेंस में, किसी ना किसी कैरेक्टर में काम आता है. और किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए कुछ साल लगते हैं, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपको उस कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए जो अभी आने वाला है, या जो आपकी पर्सनैलिटी को और स्ट्रांग बनाते हैं. बट कहीं पे आप मानते हैं दैट सर्कल ऑफ लाइफ जो होता है, मैं हुना से जो एक शुरुआत है ना, अब जवान में विद शाहरुख, यू नो दैट मैं हुना में मैं नहीं था अब, बट उसके वक्त में वी वर प्रमोटिंग आई थिंक वो फिल्मी चैनल पे आपका शो था समथिंग. तो मैं वो बोल रहा हूँ कि वहां से अगर, या चंपू से भी अगर हम ले लें, पांचवी पास ले लें, तो उसको जो कनेक्शन से करके जवान तक अगर हम उसे सर्कल ऑफ लाइफ में कम्प्लीट करें, अ बिग फिल्म, अ फिल्म एवरी वन इज वेटिंग फॉर आफ्टर पठान एंड सच अ बिग रोल वेयर शाहरुख इज अनाउंसिंग दैट आई एम वर्किंग विद दिस वन, तो वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. और उसके साथ बड़ी सारी इमोशनल जर्नी भी है जो जुड़ी हुई है, तो मैं इसके साथ इसके ऊपर ढेरों बातें करूंगा बहुत जल्दी. लेकिन फिलहाल खाली इतना बताइए कि मतलब आप एक्शन कर रहे हैं कि नहीं उसमें, आप देखिएगा तो थोड़ा सा तो चलता है स्नीपी एक्शन फिल्म है तो देखो. शाहरुख ने भी वो एक टीजर रिलीज कर दिया अपना, एक शॉट डाल दिया, उस पे भी लोग एक्साइट हो गए, वो लंबे बड़ा एक्शन कुछ यहाँ पे भी आज हो जाएगा. हां जी, पता चलेगा अभी एक्शन और कॉमेडी पता चलेगा आपको थोड़ा सा.